उत्तर प्रदेश के शासकीय विभागों में करोड़ों की अनियमितता पर सोमी प्रसाद मौर्य का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अभी रिपोर्ट आई है, सरकार इसको देखेगी। वहीं तेज आवाज में बात न करने के नए नियम पर कहा कि सरकार किसी की आवाज को दबा नहीं सकती, अनुशासित कर सकती है लेकिन किसी की आवाज दबाई नहीं जा सकती। कैट की रिपोर्ट है, उसको झुलाया नहीं जा सकता। अब जहां भी अनियमितता हुई है सरकार को उसका समर्थन देना, जो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, किसी की आवाज धीमी है, किसी की मध्यम है, किसी की तेज है, तो इस पर ब्रेक नहीं लगाया जा सकता। अगर ये पास भी होगा तो केवल बेईमानी हो जाएगा, वो सच कभी नहीं हो पाएगा। किसी की आवाज को आप कैसे लगाम लगा सकते हैं और अनुशासित कर सकते हैं, संयमित कर सकते हैं, विधानमंडल का सत्र अनुशासित तरीके से चले इसको सूचित कर सकते हैं, लेकिन किसी के हंसने और किसी के बोलने पर आप कैसे नियंत्रण करेंगे? जिसकी आवाज ही तेज है उस पर आप कैसे नियंत्रित करेंगे? ये कभी संभव नहीं।